नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 203% डीए एरियर। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हर जिले में होगा प्रबंधन कोषांग। इथेनॉल से किसानों की आय होगी दोगुनी। बिहार के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। आज होगा कोइलवर पुल का उद्घाटन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 203% डीए एरियर। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये महीना बेहद ही शुभ होने वाला है। प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 203% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ बिहार सरकार के पेंशनभोगी पूर्व कर्मचारी को भी मिलेगा। सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। मतलब ये कि महंगाई भत्ता के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। बिहार सरकार के इस फैसले से हजारों की तादाद में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब उनकी इस मांग को सरकार ने मान लिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार है। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में वो शामिल की जाती है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब इंजीनियर आपके घर पर आकर लेंगे सेल्फी। बिहार में बिजली चोरी की समस्या को रोकने के लिए बिहार की नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक को उपभोक्ताओं के परिसरों में खुद जाकर मीटर जांच का काम दिया गया है। इसको लेकर लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। अभियंता इस दौरान सबूत के तौर पर उपभोक्ता के परिसर में अपनी लाइव तस्वीर एसटीएफ ऐप पर भेजने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पुष्टि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने की है। उन्होंने ही बताया है कि मानव बल से परिसरों की जांच कराने की सूचना मिली है। अब अभियंताओं को मीटर जांच का लक्ष्य दे दिया गया है। हालांकि विभाग को इस बात की पहले से ही भनक है कि कुछ बुद्धिजीवी इनमें से ऐसे निकलेंगे जो खानापूर्ति करने का काम करेंगे। ऐसे में विभाग ने अब दूसरों को भेजकर खानापूर्ति पर रोकने के लिए ही लाइव तस्वीर एसटीएफ ऐप में डालने का आदेश दिया है। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हर जिले में होगा प्रबंधन कोषांग। बिहार में बिजली की खपत समय के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने अब सोलर लाइट लगाने पर जोर दिया है, जिसके तहत ही बिहार की राजधानी पटना के गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने का काम जोर शोर से देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार अब ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। पंचायती राज विभाग और बिहार रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट संयुक्त से इसे अंजाम देने में जुटे हैं। इसी के तहत निर्णय लिया गया है कि अब बिहार के हर जिले में तकनीकी प्रबंधन कोषांग का गठन जल्द ही किया जाएगा, जो योजना के नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। योजना के अनुसार इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। जिस बिजली के पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, उस पर टोल फ्री नंबर भी लिखा रहेगा। इसके लिए पोल में एक छोटा बोर्ड लगेगा, जिसमें टोल फ्री नंबर के साथ साथ लाइट का कोड नंबर भी लिखा होगा। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने नर्सिंग अधिकारी के कुल मिलाकर 4070 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या समकक्ष के साथ जीएनएम में डिप्लोमा या नर्सिंग में बीएससी और नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आज होगा कोइलवर पुल का उद्घाटन। 266 करोड़ की लागत से NH-30 के कोइलवर में 3 लेन डाउनस्ट्रीम पुल की सौगात आज बिहारवासियों को मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इससे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोइलवर में बने पुराने अब्दुल बारी पुल के उत्तर में ही 1.528 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े 6 लेन पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का शिलान्यास 22 जुलाई 2017 को आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया था। नए पुल पर आवागमन शुरू होने से पुराने अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। सुब्रत रॉय नहीं होंगे गिरफ्तार। लाखों लोगों का सहारा बन बेसहारा करने वाले
सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट बीते 3 दिनों से उन्हें सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे रही है, लेकिन अफसोस सुब्रत रॉय बार बार उन्हें गच्चा देने का काम कर रहे थे, जिसके बाद ही हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। हालांकि सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से साझा किए गए आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें 12 मई को वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय के वकील से पूछा था कि कौन है ये सुब्रत रॉय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, इन्हें कोर्ट आना होगा और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था, अलग अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपए जमा किए थे। बिहार के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 मई तक बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिसका अलर्ट 27 जिलों में जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। राज्य भर में दक्षिणी और पूर्वा हवा का प्रवाह है। ये हवाएं अपने साथ काफी मात्रा में नमी लेकर आ रही है, इस वजह से उमस बढ़ गई है। ऐसे में तापमान चढ़ते ही बादलों का तेजी से निर्माण हो रहा है। अनुकूल परिस्थिति होते ही झमाझम बारिश हो रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका के लिए 15 मई तक के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस का विशेष अभियान। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का खास अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के ही निर्देश पर लगातार मोस्ट वांटेड अपराधी और शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही शराबबंदी कानून के तहत शराबियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने में खास कार्यबल की तरफ से बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के तहत कार्रवाई की गई। अप्रैल महीने में ही 30 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 16 देसी हथियार बरामद किए गए हैं। नालंदा के सोन भंडार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ऐसी मान्यता है कि ये स्थान पर प्राचीन काल में जरासंघ का सोन का खजाना था। कहा जाता है कि अभी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छुपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा हुआ है। सोन भंडार नामक ये गुफा राजगीर के विभारगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि खजाने को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने तोपों से गुफा के दरवाजे को तोड़ना चाहा, पर वो इसमें नाकाम रहे थे। एथेनॉल से किसानों की आय होगी दोगुनी। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिल्ली के बाद इन्वेस्टर मीट कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद के साथ साथ दुबई में भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार आकर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का अपील हम करेंगे। हमें आशा है कि बिहार नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार में उद्योग लगाने का काम जो हम कर रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति इन्वेस्ट करके यहां उद्योग लगाएंगे। इस दौरान ही मीडिया से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने आगे कहा कि एथेनॉल उद्योग को लेकर जिस तरह से राजद के लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। राजद के नेताओं ने यह भी कहा था कि इथेनॉल में शराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे बिहार के किसानों की आय दोगुनी होगी। बिहार म्यूजियम में लगा रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन। बिहार म्यूजियम में बीते दिनों से कला प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि 3 कलाकारों की तरफ से लगाई गई है, जिनका नाम आनंदी प्रसाद बादल, नरेंद्र पाल सिंह और सचिंद्र नाथ झा है। इन्हीं की प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह, प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव वंदन प्रियसी ने किया है। इस अवसर पर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि कला का पॉजिटिव वातावरण समाज से नेगेटिविटी को दूर रखता है। हम चाहते हैं कि बिहार म्यूजियम को सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि कला का केंद्र बनाया जाए। रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन 12 मई से शुरू हुआ और 1 जून तक चलेगा। आज चलेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। इसमें पटना जिला के सेशन और अनुमंडल कोर्ट में समझौते योग्य मामलों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना जिला विधि प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र के निर्देश पर पटना, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़ और पटना सिटी में लोक अदालत लगेगी, जिसमें बैंक, बिजली, चेक बाउंस, परिवारवाद समेत अन्य छोटे मोटे मामलों को पक्षकारों की सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। कैट बिहार जल्द ही शुरू करेगा सदस्यता अभियान। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार जल्द ही राज्य में सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है। जुंदाशाही कॉम्प्लेक्स में आयोजित कैट की बैठक में इस पर आखिरी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में संगठन को मजबूत बनाने का निर्णय भी लिया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सदस्यता अभियान में सभी जिलाध्यक्षों को सूचित किया जाएगा।
खबर के अनुसार इसकी शुरुआत पटना सिटी से होगी। ज्ञात हो आयोजित बैठक में कैट चेयरमैन कमल नेपानी, उपाध्यक्ष अनंत कुमार अरोड़ा, महासचिव डॉक्टर रमेश गांधी, अश्विन खत्री और अनुभव कुमार महंत मौजूद रहे। पिछले एक सप्ताह में रेलवे ने की 11,600 रुपए की वसूली। दानापुर रेल मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर पिछले एक सप्ताह यानी कि 6 से 12 मई के दौरान अनाधिकृत रूप से ट्रेनों के वैक्यूम करने के मामले में 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अनावश्यक कारणों से गाड़ियों को रोकने के कारण उसके परिचालन के समय भी प्रभावित हुआ है। इसके दौरान ही अनावश्यक रूप से ट्रेनों के वैक्यूम के कुल 159 मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए 72 लोगों से रेलवे एक्ट 141 के तहत 11,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन को खींचता है तो उस व्यक्ति को जुर्माना या कैद या दोनों हो सकते हैं। बिहार के सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट लचर। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी भवन विश्वसरैया भवन में उठी लपटों ने भवनों के रखरखाव की पोल को खोलकर रख दिया। इसी बीच बिहार के सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर लचर रूप से काम होने का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बस खाना पूर्ति हो रही है, जिसके तहत ही बस एक फॉर्मेट में ये लिख कर दे दिया जाता है कि किसी भवन में अगलगी की घटना के बाद निकलने के कितने रास्ते हैं, दफ्तर में एसी की संख्या कितनी है, सीढ़ियों से बिजली के कनेक्शन वाली जगह की दूरी क्या है। ये देखा ही नहीं जाता है कि संबंधित भवन में अग्निशमन के लगे यंत्र की आखिरी बार जांच कब हुई थी, जांच के बाद रिपोर्ट किस प्रशाखा को आई और उक्त प्रशाखा के अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट को कहां कहां आगे बढ़ाया, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। हालांकि अब उम्मीद है कि विश्वसरैया भवन में हुई घटना के बाद अब भवनों के रखरखाव का सही ढंग से जांच हो सकेगा, साथ ही जो भी जानकारी है वो सही समय पर साझा की जा सकेगी। बिहार में फिर से शुरू हुआ पोस्टर का खेल। बिहार में पोस्टर वॉर एक आम बात है। बिहार की राजनीति में पोस्टर का खेल बहुत ही अहम रोल निभाता है। बिहार की राजनीति में आए दिन पोस्टर के माध्यम से राजनीति होती ही है। इसी खेल में बीते दिन एनडीए की एंट्री हुई। जैसा कि आपको पता है कि आज कोइलवर पुल का उद्घाटन होने वाला है, इसी को लेकर पोस्टर चिपकाने का काम बीते दिन किया गया, लेकिन पोस्टर से सीएम का चेहरा ही गायब मिला। इस कार्यक्रम को लेकर पटना के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाने का काम हुआ है। इस पोस्टर के माध्यम से इस उद्घाटन कार्यक्रम को पूरी तरह भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया, लेकिन सीएम नीतीश को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है, जिसके बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मदरसों में राष्ट्रगान के मसले पर शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। देशभर में इन दिनों धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर कई घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब यह मुद्दा उठने लगा है कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, जिसकी मांग उत्तर प्रदेश में उठी है। इसी की आंच अब बिहार में भी आ गई है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने के मुद्दे पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम की राय एक है। उनका मानना है कि ये होना ही चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं की ये राय भाजपा के सहयोग कार्यक्रम के दौरान सामने आई है। भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में शुक्रवार को खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हुए थे, जहां पर ही मस्जिदों में राष्ट्रगान को लेकर उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। भत्ते को लेकर लालू की बहू ने खटखटाया पटना हाईकोर्ट का दरवाजा। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी का घर तो खुशी खुशी बस गया, लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रॉय के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला भत्ते को लेकर उठा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऐश्वर्या को 23,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन अब वो इस रकम को बढ़ाना चाहती है। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि तेज प्रताप की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया है, जिसके बाद ही अब इस मामले में 23 जून को उनकी तरफ से कोर्ट में जवाब दायर किया जाएगा। सुपौल पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बीते दिन सुपौल दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर और पूर्वी कोसी तटबंध का जायजा लिया। मॉडलिंग सेंटर से बाढ़ आने के 72 घंटे पहले बाढ़ की सूचना मिल जाएगी। वीरपुर में बन रहे देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पहुंचकर लगभग 18 मिनट तक उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने दिसंबर महीने तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुपौल पहुंचे सीएम नीतीश ने पूर्वी कोसी तटबंध के पर संख्या 16.30, 20.70, 22.30 पर हो रहे कार्यों को बारीकी से देखा और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी कार्यों को समय पर पूरा करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुसहा त्रासदी के बाद 3 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री ने वीरपुर हवाई अड्डे पर बेहतर कोसी बनाने का संकल्प लिया था और अब इस पर काम लगभग खत्म हो गया है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इन लोगों का हुआ निलंबन।
हाल ही में बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के पेपर लीक के बाद से ही सरकार और आयोग सवालों के घेरे में है, जिसके बाद से ही पेपर लीक मामले में अब कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में बीते दिन इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में कुंवर सिंह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और दो लेक्चरर को निलंबित कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कॉलेज की प्रबंध समिति ने प्राचार्य की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की है। इससे पहले प्रश्न पत्र लीक होने की जांच कर रही ईओयू की एसआईटी ने प्राचार्य समेत चार लोगों से 18 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सन 1908 में पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी। नासा ने 1981 में स्पेस व्हीकल S-192 लॉन्च किया। भारत और मलेशिया में 2001 में सात समझौते हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रबंध संपादक और पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता ए एम रोनसेथल का 2006 में निधन हुआ। भारत रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए। भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का 1984 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनजी चंदावरकर का निधन 1923 में हुआ। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन 2011 में हुआ। नेटफ्लिक्स यूजर को जोरदार झटका। नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग पर नकेल कसने के लिए एक नया प्लान बनाया है। वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज 2022 के अंत तक पासवर्ड शेयर करने की सुविधा को समाप्त करने की संभावना है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है, नेटफ्लिक्स के अधिकारियों ने एक नोट में साझा किया है कि पासवर्ड शेयर करने पर कार्रवाई 2022 के अंतिम तीन महीने यानी कि अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। पहले ये बताया गया था कि नेटफ्लिक्स उन ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है जिन्होंने अपनी अकाउंट डिटेल्स को किसी दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है। ये पहली बार चिली, कोस्टारिका और पेरू में आजमाया गया था, जहां नेटफ्लिक्स ने उन खातों में $2.99 का सरचार्ज जोड़ा जो किसी और के साथ अपना नेटफ्लिक्स शेयर कर रहे हैं। सोहेल खान और सीमा सचदेव ने दी तलाक की अर्जी। अरबाज खान के बाद अब सोहेल खान भी अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं। सलमान खान के भाई सोहेल और उनकी वाइफ सीमा के बीच दूरियों की खबरें लंबे वक्त से चल रही थी। अब रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। सीमा और सोहेल को शुक्रवार को फैमिली कोर्ट में देखा गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने तलाक की अर्जी दे दी है। पहले भी चर्चे थे कि दोनों अलग हो रहे हैं। सीमा के सोशल मीडिया पर भी उनके बच्चे के साथ की तस्वीर ही दिखाई देती है। सोहेल और सीमा की शादी 1998 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं जिनका नाम निर्वाण और योहान है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक खान परिवार के अंदर से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। आरसीबी को हराकर प्लेऑफ की होड़ में लौटा पंजाब। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 54 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की। इस नतीजे के साथ ही पंजाब की टीम प्लेऑफ की होड़ में वापस लौट आई है। पंजाब के 12 मैच में 12 अंक हो गए हैं। आरसीबी के 13 मैच में 14 अंक है और वो अब भी अंतिम चार की होड़ में बरकरार है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन ने 42 गेंदों पर 70 और जॉनी बेयरस्टो ने 29 गेंद पर 66 रनों की पारी खेली। हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए। जवाब में आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। विराट फॉर्म में वापसी नहीं कर सके हैं, वो 20 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब की तरफ से कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है काजल मंडल, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, रंजन कुमार, गोनार शर्मा, अनवर करीम, कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, भवानी कुमार, सुरेश प्रसाद, सुबोध कुमार, आतिक खान, हिमांशु कुमार, प्रीति कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मदरसों में राष्ट्रगान की मांग सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।